नमस्कार, एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नतीजों पर सियासत से। देखिए, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने हो चुकी है और जमकर बयानबाजी के दौर जो है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर भी हमें देखने को मिली। बीजेपी को 9 नगर निगमों में जीत हासिल हुई है तो वहीं कांग्रेस ने 5 नगर निगमों में जीत हासिल की। ऐसे में कांग्रेस ने प्रदेश में अब गांधी चौपाल कार्यक्रम चलाने की भी बात कही है, जिस पर शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की दुर्गति होती है तब तब कांग्रेस को गांधी जी की याद आ जाती है। मंत्री ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इसके माध्यम से कि किसी किसके माध्यम से वो ये चौपाल लगाने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ कागजी कार्यक्रमों की बात करती है और जब जब कांग्रेस की दुर्गति होती है तब तब कांग्रेस को गांधी जी याद आते हैं। अब भी कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है। दरअसल हम आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस ने 2023 की रणनीति पर अब फोकस करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब प्रदेश भर में गांधी चौपाल लगाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बताया है कि कांग्रेस जल्द ही इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। उनका ये भी कहना है कि गांधी चौपाल के जरिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी सरकार की नाकामियों को और गांधी के विचारों को आम जनता तक पहुंचाएगी। हम आपको बता दें कि जब से नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है तब से ही कांग्रेस के पीछे पड़ चुकी है और तंज कसने का एक भी मौका बीजेपी जो है वो कांग्रेस के लिए अब नहीं छोड़ती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन की। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 18 से 59 साल की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के जो बूस्टर डोज हैं वो फ्री में लगाए जा रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो आप अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आप अपने साथ वालों को भी इसके लिए जागरूक करें, प्रेरित करें कि वो अपने घर के पास में कोई केंद्र बना हो या फिर ऑफिस के पास में वैक्सीनेशन का कोई केंद्र बना है तो आप वहां जाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं आज़ाद की जन्मस्थली से माटी लाने के लिए बाइक से निकलेंगे युवा। प्रदेश के ज़िलों में होने वाली यूथ पंचायत से चयनित प्रतिभागी भोपाल में 23 व 24 जुलाई को होने वाली यूथ महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। इसमें प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा, उद्यमिता, कला, संस्कृति, खेल, जनजाति कल्याण और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे युवा भी हिस्सा ले रहे हैं और इसी सिलसिले में गुरुवार को राजधानी के स्मार्ट पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा के लिए यूथ महापंचायत की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया है। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण के प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी और युवा कल्याण विभाग के संचालक रवि गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी यहां पर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में यूथ जो है वो यहाँ से निकले हैं और माटी लाने की बात कही जा रही है और जो रैली है उसे रवाना किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं जेईई मेन की। देखिए, 25 जुलाई से होने जा रहे हैं अब जेईई मेन के दूसरे चरण में इंदौर में 12,000 विद्यार्थी इसमें शामिल होने की बात भी कही जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा NTA द्वारा अब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE मेन का दूसरा चरण 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसके पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि यह परीक्षा जो है वो 21 जुलाई से होगी। दो दिन पहले तक इंटरनेट पर भी यही बातें चली थी और 24 जुलाई से परीक्षा की शुरुआत होगी, लेकिन NTA ने परीक्षा की तारीख में अब बदलाव कर दिया है और इसे आगे बढ़ा दिया है। NTA ने ऐसा क्यों किया यह भी स्पष्ट फिलहाल में नहीं किया गया है। अगर आप भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इंटरनेट पर एक बार इसकी तारीख ज़रूर चेक कर लें क्योंकि इसकी तारीख में कुछ बदलाव किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं शहर कांग्रेस में अब विरोध के स्वर जो उठने लगे हैं उसकी। देखिए, इंदौर नगर निगम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है और वरिष्ठ नेताओं द्वारा संगठन की कमजोरी दूर करने के जो कयास हैं, जो प्रयास हैं, वो भी किए जा रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस और उसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अध्यक्ष है, शेष कार्यकारिणी जो है वो नहीं है और इंदौर नगर निगम चुनाव में हार जिस वजह से हुई है उस पर अब पार्टी जोर दे रही है और चाहती है कि
हर उस चीज़ पर मंथन किया जाए जिस वजह से पार्टी को इस तरह की हार देखना पड़ी। वरिष्ठ नेताओं का ये भी मानना है कि महापौर पद के लिए संजय शुक्ला के रूप में मजबूत प्रत्याशी जो है पार्टी के पास था, लेकिन संगठन की कमजोरी जो है वो उस पर भारी पड़ चुकी है। शहर में कांग्रेस की कार्यकारिणी करीब 2 साल से गठित नहीं हुई है और इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस को इस बार मुंह की खानी पड़ी है और बहुत बुरी हार जो है वो भी झेलनी पड़ी है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, जो भी कारण रहे हैं उस पर अब मंथन का दौर भी चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कांग्रेस की बैठक की, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कांग्रेस ने आज बैठक रखी है और उस पर भी मंथन चल रहा है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कांग्रेस में मंथन भी शुरू हो चुका है और यह अहम जिम्मेदारी किसे मिलेगी इसे लेकर वरिष्ठ नेताओं की बैठक गुरुवार शाम 5 बजे अभी रखी गई है और सूत्रों के अनुसार शोभा ओझा के निवास पर होने वाली बैठक में चर्चा के लिए प्रमुख नेताओं को यहां पर बुलाया गया है। सभी से बातचीत की जाएगी, सभी से चर्चा की जाएगी और आखिरी में जो निर्णय लिया जाएगा या जो भी नाम निकलेगा उसी पर फोकस किया जाएगा और उसे ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।